की शिक्षक है और वो बच्चों को शिक्षा देने के लिए होते हैं तो उसमें कम से कम न्यूनतम योग्यता होगी तभी वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। तो 40% का नियम काफी सोच समझ के बनाया हुआ है और काफी है, तो निश्चित रूप से हमने उसी के अनुरूप बढ़ दिया। शिक्षा विभाग के द्वारा अर्चना प्राप्त होते ही हम शीघ्र विज्ञप्ति जारी कर देंगे। शिक्षा विभाग में इस चीज पे होमवर्क चल रहा है। ये देखो, चूंकि संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट निकालते हैं और संबंधित विभाग ने ये प्रक्रियाएं जारी कर रखी है। क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज्यादा है तो निश्चित रूप से एक जो वाजिब समय लगना जरूरी है। अननेसेसरी कतई देरी नहीं हो रही, पूरा यथोचित और पर्याप्त समय लिया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि जो ये शीघ्र समाप्त होगा तब उसके बाद एक एक करके निकालते जाएंगे। निश्चित रूप से कम्पिटिटिव एग्जाम के मार्फत आएंगे तो ज्यादा योग्य कैंडिडेट सरकार को उपलब्ध हो पाएंगे जिनसे क्वालिटी का स्तर बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से समाज एवं सिस्टम को फायदा ही होता है। इनका टाइम पीरियड कितना रहेगा ये हमें पता नहीं, ये सरकार के स्तर पर।